दोस्तों स्वागत है आपका पिंकी द सस्ता न्यूज रिपोर्टर के अंडे के आंड वाले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अंडे, सबसे बड़े अंडे, उससे बड़े अंडे और आपके नीचे लटक रहे दो अंडों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की चूतिया खबरों की, जो चूतिया पंती से भरी हुई है। दोस्तों पहली खबर आ रही है कि कराची में एक वैन ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेके भागा, बाद में पता चला कि वो सारे पैसे नकली थे। आए हाय हाय। दूसरी खबर दोस्तों, खाने के शौकीन के लिए एक आई है नई डिश, सेक्सी पनीर। दोस्तों इस पनीर के अंदर आपको कैलोरीज, विटामिन, प्रोटीन मिले ना मिले, लेकिन सेक्स जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है सेक्सी पनीर। तो दोस्तों चलो साथ में बोलते हैं सेक्सी पनीर। हाँ 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 दोस्तों, सेक्स 3 घंटे लगातार चलेगा, इस विधि से आपकी नामर्दानगी 7 गुना बढ़ जाएगी। क्या नामर्दानगी? तो दोस्तों खुशबू 2 तरह की होती है, एक टॉयलेट वाली और एक भारत में 10 में से 7 महिलाएं करती हैं पति के साथ धोखा। oh, no. बेटा सिंगल हिला के मर जाओ, लेकिन शादी मत करना, शादी एक छलावा है, ये सब बेकार की चीजें हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरी माँ बच्चों के लिए डायपर खिलौने लेके आना है, मुझे पता है, मैं भी शादी करके फंस गया हूँ। नहीं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अब मेरी जान भी लोगी। तो दोस्तों जिंदगी में शॉर्टकट बहुत जरूरी है, अंकल जी को ही देख लो। अंकल जी इस कैंची से कहां कहां के कौन कौन से बाल काटे जाते हैं आपको नहीं पता, शॉर्टकट के चक्कर में अपने मुंह में बवासीर मत करवा लेना। तो दोस्तों मिलिए हमारे आखिरी कलाकार हाहाकार से। मैं आप सबका लाडला दीपक कलाल। दोस्तों सवाल ये है कि दीपक कलाल आखिर ये सब क्यों करते हैं? लेकिन व्यूज के लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। अगर दोस्तों आपको भी व्यूज चाहिए तो दीपक कलाल जैसी वीडियो बनाइए, लेकिन दीपक कलाल तो सुधर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में जो मेरे वीडियोस आएंगे तगड़े होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों तगड़े और अच्छे वीडियो, समझ रहे हो ना? तगड़े होंगे अच्छे होंगे। और वैसे भी मैं स्ट्रेट हूँ, और ये जो मैं गे वाली वीडियो बनाता था वो सब बकवास था। दोस्तों दीपक कलाल को गे बिल्कुल मत समझ लेना, बिल्कुल नहीं, रियलिटी में मैं स्ट्रेट हूँ। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी एक रशियन गर्लफ्रेंड भी है और मैं बहुत जल्द शादी भी करने वाला हूँ। रशियन गर्लफ्रेंड? लेकिन दोस्तों इस बार शादी में तो बुलाया नहीं किसी ने।